हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्टे ट्यून्ड विथ मी में मैं स्वाति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद ये वीडियो बनाया है मैंने, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। आज मैंने अपने डाइनिंग एरिया का मेकओवर किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब ये चेंज करने का टाइम आ गया। मुझे थोड़ी बोरियत सी महसूस हो रही थी, तो देखिए मैंने क्या किया है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेशन साइंस और मोमेंटोस, जो आर्मी में काफ़ी प्रेसिस होते हैं हमारे लिए, तो ये चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से अरेंज किया है। ये मैंने हमेशा ही इनको एक अच्छा एक स्पेस दिया है, जिस किसी भी क्वार्टर में मैं रही हूँ मैं हमेशा उसे अच्छे से डेकोरेट करके रखती हूँ और वो मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने एक ये शेल्फ ग्लास का लिया है, इसमें अरेंज कर दिया। उसके नीचे मैंने एक ये टेबल रखा है और उसे भी एक मैट से कवर कर दिया है, और इसमें मैं बाकी मोमेंटोज भी अरेंज कर दूँगी। और ये कोई स्पेशल टेबल है नहीं, हमारा सेमी फर्निश्ड हाउस मिलता है, तो एक ये कंप्यूटर टेबल था जो मेरे यूज़ में नहीं है, उसे मैंने यहाँ पे रखा है, और बाकी सारे मोमेंटोज जो हैं वो इसके ऊपर अरेंज कर दिया है। सिर्फ मोमेंटोज नहीं, इसके साथ में मैंने एक जो ये ब्रास का एक आपको लैम्प स्टैंड दिख रहा होगा, वो आप इसमें बल्ब भी फिट कर सकते हैं, तो ये रखा है। उसके अलावा ये रख दिया मैंने, एक गोल्फ किट है ये छोटा सा मिनिएचर, जिसमें बार एसेसरीज हैं, ओपनर्स वगैरह। और इसके अलावा मुझे ग्रीन प्लांट्स हर जगह ऐड करना बहुत पसंद है, तो एक छोटा सा टेबल पाम मैंने यहाँ पे साथ में रख दिया है। और नीचे के भी जो सारे सेल्फ हैं उसमें मैंने बचे हुए जो थोड़े से पुराने थे, थोड़े शाइन कम हो गई थी, उन्हें भी अरेंज कर दिया है। उसके बाद ये देखिए, मैंने एक फ्लावर अरेंजमेंट DIY किया है। मुझे फ्लावर वासेस में रखने के अलावा, मतलब डायरेक्ट ऐसे ही रख देने से ज़्यादा पसंद है कि उसको अरेंज किया जाए। और ये है हमारा एक छोटा सा क्रॉकरी यूनिट, या आप बार कह सकते हैं इसे। और मैंने यहाँ पर एक वास में थोड़े से रोज़ेस रखे हैं, ये आर्टिफिशियल प्लांट है। इसके अलावा आर्टिफिशियल और फ्रेश प्लांट का जो अभी DIY किया मैंने वो रखा है, और साथ में एक शोपीस रखा है, ये ईगल मुझे बहुत पसंद है। तो मैं कहीं भी एक छोटा सा सेट बना के ही इसी तरह से डेकोरेट करती हूँ, मुझे स्कैटर्ड डेकोरेशन ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। और ये देखिए एक और मेरा DIY, ये भी एक फ्लावर अरेंजमेंट है जिसे मैं यहाँ पर अरेंज करूँगी। और ये किचन के विंडो के बाद मैंने रेशम के जो कर्टन है वो लगा दिए हैं। और जिस तरह से गवर्नमेंट क्वार्टर का ये फ़ायदा है कि हमें सेमी फर्निश्ड हाउस मिला है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि आपको हर चीज़ पसंद नहीं रहती है, और लेकिन फिर भी आपको उसमें ही सारी चीज़ें अरेंज करना है और एडजस्ट करना है। तो इसी तरह से मैंने ये और दो टेबल थोड़े डिफरेंट हाइट के ले लिए हैं, और यहाँ पर मैं अब अरेंज करने वाली हूँ। पहले तो मैंने एक यहाँ पर रनर वगैरह सब अच्छे से बिछा दिया है, और यहाँ पे मैं बहुत ही कम सामान के साथ, सो दैट बहुत हॉच पॉच ना हो जाए, रखूँगी। तो ये एक मेरा फ्लावर डेकोरेशन जो मैंने अभी अरेंज किया है वो रखा है। इसके अलावा एक यहाँ पे मैं ट्रे रखूँगी, और एक मुझे अभी और गिफ्ट मिला था जिसमें हमारी मेरे और हस्बैंड की पिक है, और उसमें LED से लाइट जलती हैं, अभी मैं आपको जलाकर भी दिखा दूँगी वो, और हमारी फ़ोटो वाली जो कप्स है मेरे पास उनको रख दिया है। और सामने रखा है एक ग्लास ट्रे जिस पे मैंने पॉट पोरी वगैरह रखा हुआ है। तो हो गई इतनी डेकोरेशन। और नेक्स्ट टेबल पे मैंने एक लैम्प के साथ में गणेशा रखा हुआ है, और सामने टेबल पे छोटे से ट्रे में कुछ ग्रीन प्लांट्स और कैंडल स्टैंड मैंने अरेंज कर दिया है। साथ में एक मेरे पास साउथ से लाया हुआ एक शंख रखा हुआ था, वो भी मैं अक्सर ये गणेश जी के आसपास रख ही देती हूँ।
तो वो रखा है और एक मैंने लैम्प स्टैंड भी रख दिया है। तो ये डेकोरेशन भी हो गया और साथ में ग्रीन तो हमें अरेंज करना ही है क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, तो मैंने उसके साथ में एक बड़ा प्लांट रख दिया है। और अब मैं आपको नाइट व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर हमारे यहाँ कुछ पार्टी हो रही है और कुछ है और इस तरह से अगर रखें तो हर कोई पूछता है कि आपने कितना सुंदर डेकोरेशन किया है। और ये है यहाँ का फाइनल व्यू। ये देखिए, यहाँ पे एक मेरी क्रॉकरी यूनिट है जो दी हुई है, इसमें ऑलरेडी बनी हुई है, तो यहाँ मैंने इसे इस तरह से अरेंज किया हुआ है सारा कुछ। और नीचे मेरे पिकल्स वगैरह और सारी जो चीज़ें हमें चाहिए, घी और हर चीज़ यहाँ पर रखी हुई है। नीचे भी सारी क्रॉकरीज रखी हुई हैं, इस तरह से मैंने सब सजा कर रखा हुआ है। तो आपको ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो पसंद आए होंगे। ये देखिए, मैंने सारी पिक्स आपको शेयर की हैं क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे। थैंक यू।